बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी जनाब, आपके सामने पीपीएससी की दो एडवर्टाइजमेंट आपको नज़र आ रही हैं और पीपीएससी की जानब से अच्छे वक्त का आगाज़ हो चुका है और इंशाल्लाह ताला बुध वाले दिन यानी अशूरा के फौरन बाद जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 भी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। पीपीएससी के अंदर ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 14 आई है, जिसको मैंने आज सुबह के टाइम अपने गाँव में बैठ के आपको बताया था, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर बता देता हूँ। ये देखें जी, असिस्टेंट की 3 पोस्टें हैं, ओपन मेरिट की हैं, ग्रेजुएट उन्होंने मांगा है, यानी आपका किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी डिसिप्लिन में 14 साल डिग्री हो, चाहे वो थर्ड डिवीजन में हो, चाहे वो फर्स्ट में हो, चाहे वो सेकंड में, एलिजिबल है। मेल की 32 ईयर एज लिमिट है, फीमेल की 35 ईयर एज लिमिट है और ये जनाब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, टोटल 100% जनरल नॉलेज पर आएगा। इसके बाद सीरियल नंबर 68 पर देखें, 6 पोस्टें हैं रिसर्च असिस्टेंट की, एमएससी या बीएससी केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री वाले एलिजिबल हैं, मेल की 35 ईयर एज लिमिट है, फीमेल की 38 ईयर लिमिट है, 80% इनका सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर आएगा, 20% जनरल नॉलेज आएगा। इसके बाद सबसे बड़ी खबर, लेक्चरर फीमेल का मैंने आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में मैंने बताया था कि किसी भी वक्त आ सकती हैं, जो खैर वो आ गई हैं। फिजिक्स फीमेल की जनाब 112 सीटें हैं, केमिस्ट्री फीमेल की 127 सीटें हैं और फिजिक्स मेल की 25 हैं और केमिस्ट्री की मेल की 33 हैं। एक्चुअली ये क्या होता है, एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि जब पहली बार सीटें आती हैं तो सीटें फिल नहीं होती, फिर दोबारा सीटें वो ऐड होकर आ जाती हैं, तो फीमेल एक्चुअली उतनी पास ही नहीं हो पाती जितने की रिक्वायरमेंट होती है, तब जबकि मेल की सारी फेल हो जाती हैं। इसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर, 8 पोस्टें हैं, 6 ओपन मेरिट की हैं, वो कहते हैं जी मास्टर डिग्री यहाँ पर आपको चाहिए और इसके अंदर वो कहते हैं कि प्रेफर किया जाएगा कि इनको इकोनॉमिक्स वालों को, मैथमेटिक्स वालों को, सोशल साइंसेस, सोशल वर्क को, सोशियोलॉजी या एमबीए को, यहाँ के इनके प्रेफर किया जाएगा। फीमेल की जो एज लिमिट, मेल की जो एज लिमिट है 37 ईयर है, जबकि मेल की 40 ईयर्स है और इसके अंदर 40% क्वालिफिकेशन रिलेटेड और 60% जनरल नॉलेज आएगा। अब यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी कंट्रैक्ट के ऊपर जो 5 साल का, ये कंट्रैक्ट का आप बिल्कुल भी ना समझें, एक्चुअली ये परमानेंट ही होते हैं सारे, इसलिए इसके बारे में आपको परेशान की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाद में परमानेंट कर दिया जाता है। इसके अलावा जनाब ये जो है जो प्रेफर किया जाएगा, इसमें तमाम वो लोग जिन्होंने किसी भी डिसिप्लिन में मास्टर किया हुआ है, बीएस प्रोग्राम किया हुआ है, तमाम लोग एलिजिबल है, बट उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी की इकोनॉमिक्स हुई और किसी का एमबीए सब्जेक्ट में था, इनको थोड़ा प्रेफर करेंगे, बट इसके बारे में टेंशन ना लें, इसमें हो सकता है एमबीए इकोनॉमिक्स वाले पास ही ना हो सकें या इस तरह से, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एमबीए वाले ही मतलब सेलेक्ट होंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भी सिलेक्ट हो सकते हैं, बात यह है कि आप अपना मेरिट बनाएं। इसके बाद अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर 18 सीटें हैं, 11 ओपन मेरिट की हैं, जूनियर क्लर्क की पोस्टें हैं और ये रेगुलर बेस पर हैं। इसके अंदर जनाब वो कहते हैं कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि इंटरमीडिएट किसी भी सब्जेक्ट में, 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होगी कंप्यूटर के अंदर और प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। तो खैर मेल की 32 और फीमेल की 35 ईयर एज लिमिट है, जनरल नॉलेज 80% है, 20% जो है कंप्यूटर रिलेटेड आएंगे। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट थी जो मैंने आपसे शेयर की है, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊँगा कि जनाब आपने ऑनलाइन फीस जो है वो कैसे पे करनी है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 आ चुकी है, इसकी एडवर्टाइजमेंट को हम ओपन करते हैं। एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी सीटें आई हुई हैं, क्योंकि इसमें लेक्चरर फीमेल की सीट्स आई हुई हैं। हमारे इस चैनल पे जो अभी न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो हमारे पुराने पेरेंट्स और हमारे फॉलोअर हैं वो इस वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो के लिंक को जो है आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करेंगे ताकि उनको भी इससे जो है फ़ायदा हो सके। तो खैर मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कोई एरर आ रहा है, बट इंशाल्लाह ताला ये कोई थोड़ा सा मिस्टेक्स भी हो सकती है, इसके बारे में हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, इधर भी सेम एरर आ रहा है, उधर भी सेम एरर आ रहा है, अब ये समझ से बाहर है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो खैर इसको मैं एक और तरीके से भी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई है, यहाँ पे ये देखें वो कहता है कि मेडिकल, हाँ जी यहाँ पे देखें मेडिकल ऑफिसर, डेंटिस्ट, असिस्टेंट कंट्रोलर स्टोर या परचेजर, इसकी क्वालिफिकेशन चेक कर लें, ये चेक कर लें जनाब, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं मेरिट पे एक है, पंजाब के अंदर दो हैं, सिंध के अंदर एक है, केपी के यानी 1 2 3
तीन दो पाँच छः पोस्टें हैं, 28 साल और 5 साल की एज रिलैक्सेशन ऐड करेंगे तो उसके बाद आप 33 साल, इसके अंदर बीएससी इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रिकल ये सारे बंदे अप्लाई कर सकते हैं। खैर इसके बाद हम नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट आप देख लें कि यहाँ इंस्पेक्टर लिखा हुआ है। हाँ जी, इंस्पेक्टर किसके अंदर है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अंदर है, परमानेंट ये पोस्ट है। इसके अंदर जस्ट और जस्ट आपको सेकेंड ग्रेड सी बैचलर डिग्री चाहिए, 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अंदर भी चाहिए। इसके अंदर टोटल जो पोस्टें हैं वो ऑलमोस्ट पंजाब के अंदर 8 हैं, बरल ये तकरीबन कोई 15 बनती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखें जी बैकर, बैकर क्या होता है ये देख लेते हैं कि चेक द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वो जो होते हैं ना ये मतलब है जो लाइक दैट जो रॉ मटेरियल चेक करने के लिए फील्ड वर्क जो काम होता है उसके लिए। बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, 1 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए, यहाँ पे एक ही पोस्ट है पंजाब के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट चेक करें हमारे पास जी चीफ कार्डिक, इसके बाद लाइब्रेरियन, जनरल स्टाफ ऑफिसर, जनरल स्टाफ ऑफिसर एसोसिएट, सेकेंडरी स्कूल टीचर, एसएसटी मेल, एसएसटी मेल की ये देख लें, इसके अंदर शायद सीटें आज़ाद कश्मीर की हैं तो इसको तो छोड़ दें। इसके बाद जनाब एसएसटी मेल हो गया, मेल के बाद जनाब यहाँ पर असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर कंप्यूटर मेल चाहिए। अच्छा जी डिप्टी डायरेक्टर, इसकी चेक कर लेते हैं, डिप्टी डायरेक्टर की टोटल 2 पोस्टें हैं, सॉरी 8 पोस्टें हैं, बलोचिस्तान की 7 हैं, आज़ाद कश्मीर की जो है ना एक है। इसके बाद आगे चलते हैं, हाँ जी यहाँ पर देखें, यहाँ पे देखें, ये देखें लेक्चरर बायोलॉजी, लेक्चरर केमिस्ट्री, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, लेक्चरर इंग्लिश, लेक्चरर जोग्राफिया, लेक्चरर मैथमेटिक्स, लेक्चरर पास स्टडी, लेक्चरर फिजिक्स, लेक्चरर साइकोलॉजी, लेक्चरर सोशियोलॉजी, कंप्यूटर ऑपरेटर। इसके अंदर ये देखना है कि ये जनाब जो लेक्चरर की पोस्टें आई हैं ये मेल के लिए हैं या फीमेल के लिए हैं। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल एक्चुअली ये सारी यहाँ पर मौजूद हैं पंजाब के अंदर, मेरिट पे 4 हैं, पंजाब के अंदर 28 हैं, ओपन मेरिट की 27 है। और इसके अंदर कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, कैंडिडेट अप्लाई होके ओनली फीमेल, यानी फीमेल पूछ रही थी कि सर हमारी फीमेल की कहाँ बनी है, तो ये फीमेल की आ चुकी हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तरीका था जो मैंने आपको जो है यहाँ पे ऐड शो करवाई है, उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि किस तरह मतलब है हमने ये करना है। बहरहाल FPSC ने भी अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ पे शो कर दी है, तो उम्मीद है कि आप जो है इसके ऊपर अपना इत्मीनान होकर तैयारी कर रहे होंगे। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी होगी फीस, PPSC में फीस पे कैसे की जाएगी, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका मुकम्मल आपको बताया जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।